श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से श्री मंदोदरी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज कथा का प्रथम दिवस था। अगर आपने किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो इस वीडियो में आपको आज की कथा का पूरा सारांश मिलने वाला है। कथा में गुरु जी ने क्या क्या उपाय बताए हैं, आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सारा का सारा उपाय और सभी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले गुरुजी ने आज एक पत्र पढ़ा था, तो उस पत्र में एक महिला को बीमारी हो रखी थी दम्मे की, यानी सांस फूलती थी। थोड़ा सा भी अगर चलते थे तो उससे भी उनको सांस फूल जाती थी, करवट बदलने में भी उसकी सांस फूलती थी। अभी जो श्री तरपन सिंह महापुराण कथा चल रही थी राजस्थान में, उस कथा का उन्होंने टीवी पे ही कथा को सुना था और उसके बाद उन्होंने एक लोटा जल और महादेव को एक बेलपत्री चढ़ा के और वह खाना शुरू कर दी। महादेव की दया से कथा खत्म होने के बाद, 7 दिन की जब कथा समाप्त हो गई, उसके बाद उस महिला ने अभी 2-2 किलोमीटर तक पैदल चलती है। महादेव की दया से उनकी सांस की प्रॉब्लम जो थी, दम्मे की जो प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। दूसरी उपाय जो गुरुजी ने बताया, जिन नाड़ी को गर्व नहीं ठहर रहा है उनको क्या करना है, तुमड़का जी वाला उपाय, जो कि मैंने कई बार इनकी वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा किस तरह से इसका उपाय करना है। जो भी महिलाएं अगर 10 साल हो गए, 5 साल, 20 साल हो गया, गर्भ धारण नहीं हो रहा, गर्भ नहीं ठहर रहा, तो आपको तुमड़का जी का नाम स्मरण करते हुए एक गांठ बांधनी है अपने कमर में। तो किस तरह से बांधनी है उसका वीडियो मैंने बना दिया, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बताया था कि जो महिलाएं कथा सुनती है, श्री महापुराण की कथा सुनती है, तो उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर कोई कुमारी लड़कियां हैं, कुमारी कन्या है, अगर वो श्री महापुराण की कथा सुनती है तो उन्हें अच्छा वर प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया कि अगर किन्हीं को भी शुगर और बीपी की बीमारी है तो उन्हें क्या करना चाहिए, सिर्फ एक बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा के उसी का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। जब बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा रहे हैं तब महादेव से वह औषधि की तरफ मांग के उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। कम से कम आप सप्ताह में एक बेलपत्र जरूर खाएं। अगर बेलपत्र खाने में छाले पड़ रहे हैं तो आप बेलपत्र को सुखा के उसका पाउडर बना लें, या तो गोला बना के उसे फिर भी खा सकते हैं। और गुरुजी ने एक जानकारी दी थी कि अगर आप कभी भी बेलपत्री का वृक्ष कहीं भी लगाते हैं, मंदिर में या कहीं भी लगाते हैं, तो पहले उसे क्या करें, अपने घर में उस पौधे को अच्छे से लगा के उसका रोपण करें, उसे थोड़ा सा बड़ा करें। जिस तरह हम अपने बेटी को अपने घर में बड़ा करते हैं उसके बाद विदाई करते हैं, उसी प्रकार बेलपत्री वृक्ष को आप थोड़ा सा बड़ा करें, उसके बाद दूसरे जगह वहाँ जाके उसे आप रोपण करें। ये सारी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी थी। अगर आपको और भी कोई भी दिक्कत आती तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।